तो आप इसे इस तरह के 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी से भी चला सकते हो, साथ ही इस तरह की 9 वोल्ट बैटरी से भी चला सकते हो, और कंटिन्यूसली चलाने के लिए चार्जर बेस्ट रहेगा। तो आप इस तरह के 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर से भी इसे आप चला सकते हो, तो ये उससे भी बहुत ही बढ़िया ग्लो करेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक गजब की डेकोरेशन लाइट बनाएंगे। तो गाइस, उसकी मदद से आप दिवाली के मौके पर आपके घर वगैरह को बढ़िया से सजा पाओगे। और गाइस यार, मुझे पता है कि वीडियो लाने में मैं बहुत ही देर कर देता हूँ, तो गाइस अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं 3 या 4 दिन में वीडियो एक अपलोड कर ही दूंगा। तो गाइस, इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही गाइस वीडियो आए, आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और गाइस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइस, इसकी फुल मेकिंग मैंने आगे वीडियो में दिखाई है, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। सो गाइस, चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ, लेट्स मेक इट। तो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये डिफ्यूजर पेपर मैंने रखा है, तो इसके ऊपर गाइस मैं एक स्टार ड्रॉ करूंगा। तो गाइस, मेरी भी ड्राइंग कुछ खास अच्छी नहीं है, तो स्टार बनाने के लिए मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। सिंपली एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा और उसके अपोजिट एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर दूंगा। देखिए गाइस, हमारा स्टार बन चुका है। तो ये वाले स्टार को गाइस आपको कैंची की मदद से कट कर लेना है। तो देख सकते हो कट करने के बाद कितना बढ़िया दिख रहा है ये। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर एक स्क्वायर पीवीसी शीट ले रहा हूँ। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, उस पीवीसी शीट के ऊपर मैं अपने स्टार को रख के मार्किंग ले लेता हूँ। तो देखिए गाइस, मार्कर की मदद से मैंने इसके ऊपर पूरी मार्किंग ले ली है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप ली है पीवीसी की, तो देख सकते हो आप। तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर स्केल रखी है और मैंने 1 सेंटीमीटर की गैप पर वहाँ पर कुछ मार्क लगा लिए हैं। उन मार्क उनको मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हो हमारे पास ये कई सारे हो चुके हैं। फिर गाइस, हमारी जो स्ट्रिप्स होने, उसको हमने जो स्टार बनाया था उसकी लाइन के ऊपर कुछ इस तरह से सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। तो ये करने के बाद आप देख सकते हो हमारा स्टार शेप का साचा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं RGB LED लाइट का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी गैप छोड़ना है ताकि हमारी LED यहाँ से अंदर हो सके। तो अब आपको जरूरत पड़ेगी ग्लू स्टिक। तो ग्लू स्टिक को मैं ग्लू गन के पीछे लोड कर लेता हूँ और इसे गर्म होने देता हूँ। फिर गाइस, मैंने कोकोनट ऑयल की बॉटल ली है और उसका ऑयल मैंने एक ढक्कन में कुछ इस तरह से थोड़ा सा निकाल लिया है। फिर गाइस, मैंने पेंटिंग ब्रश लिया है और उस ब्रश की मदद से उस ऑयल को हमारा जो साचा है स्टार शेप का, उसके ऊपर अच्छे से फैला के लगा दिया है। तो ये करने के बाद, हमारी LED को कुछ इस तरह से रखने के बाद, ग्लू गन की मदद से अंदर की तरफ से मैं इसे पूरा फिल कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, आपको पूरा फिल कर लेना एकदम कोने कोने में भी, और ऑयल हमने इसीलिए लगाया इसमें कि ये सूखने के बाद इसमें से निकल जाए। तो यहाँ पर एक मैंने PVC शीट का टुकड़ा लिया और इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद हमारे स्टार शेप के ऊपर उसे रख दिया, जिससे फ्रेंड्स ऊपर की तरफ से भी इसका शेप ना बिगड़े। तो इसको सूखने के लिए थोड़ी देर साइड में रख देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं गाइस, इसको आप निकालते हैं। तो देखिए, निकल चुका ही है। तो अंदर की तरफ से निकालने के लिए मैं यहाँ पर डिवाइडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से आपको इसको कोने कोने में से थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। देखिए गाइस, ये निकल जाएगा। और गाइस, इसकी जो भी ये थोड़ी एक्स्ट्रा एजेस आपको दिख रही है, इसको आपको कैंची की मदद से कट करके हटा देना है, जिससे ये और भी अच्छा दिखेगा। तो आप देख सकते हो गाइस, ये एकदम बढ़िया सा स्टार शेप में दिख रहा है। तो सेम प्रोसेस करने के बाद देख सकते हो मैंने यहाँ पर कई सारे स्टार बना लिए हैं। तो अब चलते हैं इनके कनेक्शन पर। तो यहाँ पर मैंने डबल स्टैंडर्ड कॉपर का वायर लिया है। उसके बाद मैंने उस कॉपर के वायर को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्केल पर रखकर मार्किंग ले ली है। और जहाँ पर हमने मार्क लगाया था वहाँ से आपको उसे कट कर लेना है। देखिए गाइस, हमारे पास कई सारे टुकड़े इकट्ठे हो चुके हैं। तो गाइस, आप LED को देख सकते हैं, इसमें बड़ी वाली लेग पॉजिटिव और छोटी वाली नेगेटिव है। तो इसको मैं थोड़ी थोड़ी छोटी दोनों को कर लेता हूँ। तो गाइस, रेड वाला वायर मैं प्लस पे और येलो वाला वायर मैं माइनस पर यहाँ पर सॉल्ड कर लेता हूँ। तो सेम प्रोसेस करते हुए मैं अगली LED पर भी कुछ इस तरह से सॉल्ड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मैं उसमें से कनेक्शन लेने के बाद तीसरी वाली LED में भी कुछ इस तरह से सेम प्रोसेस कर लेता हूँ। तो ये सेम प्रोसेस करते हुए फ्रेंड्स, आपको एक सीरीज बना लेना है और इन्हें आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो आपका टाइम न वेस्ट करते हुए मैं फटाफट से इसकी सीरीज बना लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 10 LED की सीरीज बनाई है। तो इसको आप इस तरह की 9 वोल्ट बैटरी से भी चला सकते हो।
और कुछ इस तरह के 3.7 वोल्ट के लिथियम आयन बैटरी से भी बड़ी आसानी से चला सकते हो। पर गाइस आपको कंटिन्यूसली चलाना और इसको एक जगह मतलब ऐसे चलते ही रहने देना हो तो आप चार्जर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मोबाइल चार्जर है 5 वोल्ट का, तो आपको इसके आगे के जो वायर को, इसको जो हमारे इनपुट का सीरीज का वायर है, इसके अंदर आपको इसको कनेक्ट कर देना है और इनको टेप लगा देना है। तो गाइस मैं इसको चार्जर से आगे आपको चला के दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको गाइस चार्जर को बोर्ड में लगा देना है, उसके बाद आप स्विच ऑन करोगे तो आप देख पाओगे ये ऑन हो जाएगी। देखिए गाइस कितनी बढ़िया से ये ग्लो हो रही है। तो गाइस अब मैं लाइट्स ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस कितनी बढ़िया से यार ये ग्लो हो रही है। देखिए गाइस इसका स्टार शेप तो एकदम बढ़िया से यार तगड़ा ही दिख रहा है। तो गाइस इसके स्टार शेप के लिए तो यार एक लाइक बनता है। और गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आपको कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाउट वगैरह आ रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय।